12 जिलों के 45 निकायों में वोटिंग चल रही है। दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। 5 निकायों में निर्विरोध चुनाव हो चुका है। आज मतदान के बाद काउंटिंग होगी। तो निकाय चुनावों से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकायों में अध्यक्ष पद के लिए मतदान जारी है। 12 जिलों के 45 निकायों में वोटिंग जारी है। दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। 5 निकायों में निर्विरोध चुनाव हो चुका है और आज मतदान के बाद काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग होने के बाद आखिर किसे क्या, किसके हिस्से क्या आएगा, ये साफ होगा। अमित यादव कोटपुतली से और लक्ष्मी हमारे साथ जुड़े हैं दौसा से। दोनों रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं। आइए पहले दौसा का हाल जानते हैं। लक्ष्मी, फिलहाल क्या कुछ ताजा तस्वीर वहां से निकल कर आ रही है सामने इस दौरान? जी देखिए, दौसा नगर परिषद सभापति के लिए जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे भाजपा के सभी पार्षद मतदान कर चुके हैं। वही कांग्रेस 6 में के 37 पार्षदों ने मतदान कर दिया है। दौसा नगर परिषद 55 पार्षदों की परिषद है, जिसमें 3 पार्षदों का मतदान होना बाकी है। कांग्रेस की तरफ से दौसा विधायक मुरैलाल मीणा इस खेमे की जो बाड़ाबंदी थी वो कर रहे थे। हमारे साथ दौसा विधायक मुरैलाल मीणा भी, इनसे भी बात करते हैं। सर, जैसे अगर अपन चुनाव परिणामों की बात करें, मतदान की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है कुछ देर में, और बाकी जो मतदाता है वो भी वोट डाल देंगे, तो क्या लग रहा है आपको कि दौसा में कांग्रेस का वोट बनेगा? देखो, इस बार हमारे पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक टीम रूप में कार्य किया था। सामूहिक रूप से हमने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया था और सब प्रभावित थे लोकसभा सरकार की कार्यप्रणाली से। हमारे लक्ष्मी, आपसे जो संपर्क हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, दोबारा जोड़ेंगे फिलहाल।